हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोलेरो पिकअप की चीजेस के बारे में। आखिर बोलेरो पिकअप की न्यू चीजेस कितने की पड़ती है? यहाँ पर गाड़ी वगैरह की बात नहीं हो रही है, ओनली चीजेस की बात हो रही है। यानी कि जब भी हमारी गाड़ी की चीजेस टूटती है किसी कारणवश, तो हम न्यू चीजेस डलवाने की सोचते हैं। तो आखिर कितने की पड़ती है न्यू चीजेस? तो यहाँ पर तीन प्राइस बताएंगे आपको, ऑनलाइन बताएंगे, ऑफलाइन बताएंगे, और आपको पुरानी यानी कि आप सेकंड हैंड लेते हैं तो उसका भी प्राइस बताएंगे। काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे भाई कि चीजेस के बारे में बताइए कितने तक की पड़ेगी, और मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया तो कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जहाँ पर चेचेस की प्राइस बताई जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि आखिर चेचेस कितने की आती है न्यू, और क्यों डलवाना चाहिए, कब डलवाना चाहिए, कब नहीं डलवाना चाहिए, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस गाड़ी को देख रहे हैं, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो इसकी जो चेचेस है बैंड हो चुकी थी। तो इस गाड़ी की मैं चेचेस डलवाने के लिए हम लोग गए थे एजेंसी, तो वहाँ पर उन्होंने प्राइस वगैरह बताए थे कि इतने तक की आपको चेचेस पड़ जाएगी, तो वही प्राइस आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप चेचेस डलवा क्यों रहे हैं, आपकी गाड़ी की चेचेस है वो किस तरीके से टूटी है या बैंड हुई है। अगर आपकी गाड़ी की चेचेस चलते चलते टूटी है यानी खड्डे वगैरह में गिरी है, टूटी है, तो ऐसे में आप चेचेस ना ही लें, आप उसको जुड़वा सकते हैं और उसमें हल पत्ती रखवा सकते हैं। हल पत्ती का मतलब ये है कि उसमें पत्ती रख जाती है, बॉडी वगैरह निकाल के उसमें पत्ती रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने कई सारी ऐसी गाड़ी देखी है जिनकी चेचेस जुड़ी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ना ही चलने में आती है, और जितना पहले माल लोड लेती है गाड़ी उतना ही माल लोड लेती हैं, कोई भी मतलब समझ में नहीं आता कि इस गाड़ी की चेचेस टूटी है या नहीं टूटी है। तो आप हल पत्ती से रखवा कर जुड़वा सकते हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरी बात आती है कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो आपकी गाड़ी चेचेस यानी कि जो है वो बैंड हो चुकी है, यानी कि ऐसी मुड़ चुकी है, तो उस कंडीशन में आप दूसरी चेचेस ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी होता है कि अगर उसी चेचेस को आप बनवाते हैं तो इसमें रिस्क भी रहता है। जिस गाड़ी को मैंने दिखाया है, इस गाड़ी की जो इसका जो एक्सीडेंट दूसरा हुआ था, तो वो इसी वजह से हुआ था कि इसमें हम लोगों ने फिर चेचेस नहीं ली थी क्योंकि काफ़ी महंगी आ रही थी और जो हम लोग बोल रहे थे वो उन्होंने माना नहीं था, इसलिए नहीं ली थी। तो वही चेचेस बनवाई थी, तो जब भी स्पीड में चलाते थे गाड़ी तो अनबैलेंस हो जाती, तो इसी वजह से इसका दूसरा एक्सीडेंट हुआ था, चेचेस की ही वजह से। अगर आपकी गाड़ी की चेचेस मुड़ चुकी है, अगर उसको आप बनवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से चलाएं आप गाड़ी, या तो आप पुरानी डलवा सकते हैं, आप फिर न्यू डलवा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आप न्यू लेते हैं तो कितने की पड़ती है। तो हम लोग जब एजेंसी गए तो उन्होंने बताया था हमको कि इसकी जो चेचेस आएगी वो आएगी 1,26,000 रुपये की, उन्होंने ये बताया था। तो हम लोगों ने ये बताया था कि ठीक है हम चेचेस ले लेंगे, लेकिन जैसे ये गाड़ी थी 17 मॉडल, तो हम लोगों ने ये कहा था कि इसको आप मॉडल ऊपर कर दीजिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप चेचेस लेंगे तो आपको ये चेच यानी कि रजिस्ट्रेशन में ये नंबर भी चढ़ जाएगा चेचेस का, उसका हट जाएगा यानी कि रीन्यू होगा। तो हम लोगों ने ये कहा था कि इसका गाड़ी का मॉडल भी बढ़ा दीजिए, एक साल बढ़ा दीजिए। तो उन्होंने ये कहा था कि मॉडल नहीं बढ़ा सकते हैं, आपकी जो इसकी जो चेचिस नंबर है वो आपको रजिस्ट्रेशन में चढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था कि हम लोगों को चेचिस नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो वही चेचिस बनवाते हैं, तो वही चेचिस बनवाए थे। तो अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन के बारे में कि आखिर ऑनलाइन कितने की पड़ेगी। तो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं, 1.3 और 1.7 का प्राइस दोनों सेम है, 97,600 कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपए हैं। और मैंने मैक्सी ट्रक प्लस का भी सर्च किया तो उसका आ रहा था 91,000 कुछ रुपए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप बोलेरो का भी देख सकते हैं, 1,02,000 कुछ रुपए हैं यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्राइस है। अगर आप पुरानी लेते हैं तो वो कितने की पड़ेगी? तो इसी गाड़ी में जो दोबारा डली है यानी पुरानी डली है तो वो आई थी 27,000 रुपये की। तो आप पुरानी भी अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाए, जितने जो बड़ी बड़ी सिटी रहती हैं जैसे कानपुर हो गया, कई सारी ऐसी जो बड़ी बड़ी सिटी रहती है जैसे हमारे पास कानपुर है, तो यहाँ पर क्या है कि कई गाड़ियाँ ऐसी कटती रहती हैं, तो उनमें क्या है कि चेचेस आपको बिल्कुल फ्रेश मिल जाती है, तो वहाँ पर काफ़ी कम प्राइस में चेचेस फ्रेश मिल जाती है। तो आप ऐसे बड़े मार्केट देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी कंडीशन में चेचेस मिल जाएगी और आप ले सकते हैं। और मैंने बताया अगर आपकी गाड़ी आपकी चेचेस मुड़ी है तो आप उस कंडीशन में दूसरी डलवा सकते हैं, अगर आपकी चेचेस टूटी है तो आप हल पत्ती जुड़वा के उसको जोड़ सकते हैं, उसमें आपको चेचेस बदलवाने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी बैंड है तो आप डलवा सकते हैं। तो पहले कोशिश कीजिए कि आपको ऑफलाइन यानी कि आपको मार्केट वगैरह में मिल जाए चेचेस, अच्छी कंडीशन में मिल जाती है और कम भी प्राइस लगते हैं। तो अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा आखिर चेचेस कितने की आती है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी दोस्तों को बाय।